नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं आनंद नरसिम्हन। बहुत बड़ी खबर आ रही है, भारत के हवाई हमले से घबराए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और सियालकोट के हवाई अड्डों से सभी यात्री उड़ानें बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान की सभी बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब रद्द कर दी गई हैं। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यही कुछ हरकत हिंदुस्तान की तरफ से भी है, भारत में भी, खासकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, इस तरफ की जितनी एयरपोर्ट्स हैं सब अब वहां पर सिविल फ्लाइट्स रोक दी गई हैं। संदीप, देखिए एहतियातन के तौर पर जो है भारत में भी जो है लेह, जम्मू कश्मीर, पंजाब में जितनी भी जो ऑपरेशन थे उनको अभी हॉल्ट में लगाया गया। जितने एयरक्राफ्ट उन बेसिस पे और उन एयरपोर्ट पे उतरने थे वो जो है डाइवर्ट किए गए हैं या कुछ कैंसिल किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके हालात है, खबर यही है कि लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, इस्लामाबाद के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं पाकिस्तान में, वो वहाँ से भी जो है सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स और डोमेस्टिक फ्लाइट्स को जो है कैंसिल कर दिया गया है और पूरे एयर स्पेस को जो है बंद कर दिया गया है। तो जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भारत जो है वो एक जिस तरीके की मार गिराने की खबर आ रही है कि भारतीय सेना ने, वायुसेना ने एक F-16। संदीप बोल के साथ हमारा फोन लाइन जरा कट गया है, जरा हम थोड़ी देर में उनसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि भारत की हरकत से पाकिस्तान बौखला गया है। उसके रिस्पॉन्सेस, चाहे वो DGP ISPR से हों या फिर पाकिस्तानी सरकार से हों, जो भी रिस्पॉन्सेज आए हैं इतने कन्फ्यूज और मिक्सड आए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान को शायद कभी ये उम्मीद नहीं थी कि भारत उनके घर के अंदर घुसकर दहशतगर्दों को इस तरह से ध्वस्त करेगा। अब जो है फाइट जो है वो एरियल हवाबाजी है और हवा में है। इंडियन एयरफोर्स वर्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान एयरफोर्स ने कुछ हिमाकत करने की कोशिश की लेकिन हमने उन्हें खदेड़ दिया। भारतीय कार्रवाई जो है जो इतनी एकदम पैनी रही है पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर, और उन्होंने कोशिश की कि हमारे इंडियन एयरफेस के अंदर वो आकर कुछ हरकत करने की कोशिश करें लेकिन हमने फिर से उन्हें खदेड़ दिया। अखाड़ा में आज हम आपको यही बात कहना चाहते हैं कि ये जो बदला था, ये जो इंतकाम हमने लिया दहशतगर्दों से, दहशतगर्दी जो पाकिस्तान की सरजमी से उभर कर निकल कर हमारे हिंदुस्तान में इसको ये अंजाम देने की कोशिश करते आ रहे हैं, पिछले 2-3 दशकों से ऐसा चलता आ रहा है। और हमारी जो सेना है, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, हर बार ये कहती रही है कि हमें मौका दीजिए, हमें हाथ खुले करने दीजिए, हम इनकी खटिया खड़ी कर देंगे। अब की बार जो मिलिट्री मसल है देश का वो पॉलिटिकल विल से जाकर जुड़ा और एक जवाब हमने दुनिया को दिखाकर ये कहा कि देखिए हमें पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी सरकार से कोई लेना देना नहीं, हमें उनसे कोई गिले शिकवे नहीं, हमें तकलीफ है तो दहशतगर्दों से है, उन ट्रेनिंग कैंप से है जहाँ से जिहादी पैदा हो रहे हैं और हमने उन्हें ध्वस्त किया है। पूरे विश्व ने कहा है कि जो आपने कदम उठाया सही उठाया, और पाकिस्तान को कहा है कि देखिए आप इस मामले को एस्केलेट मत कीजिए, अगर आप इसको हवा देंगे तो नुकसान आपका होगा। पाकिस्तान उधर बौखलाया हुआ है, उनको इमरान खान की सरकार को काफ़ी सारे सवाल झेलने पड़ रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं, ऐसा हो क्या गया, हिंदुस्तान ने ऐसा क्यों किया, भारत ने ऐसा क्यों किया। पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं कि जैश का ट्रेनिंग कैंप था जहाँ कम से कम 350 वहाँ के जो उनके जो जिहादी हैं उनको हमने मार गिराए हैं, वो मर गए हैं, वो ये मानने को ही तैयार नहीं है। अब वो कहना चाहते हैं, भारत को दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और जैसे ही उन्होंने ये हरकत की हमने उनका F-16 गिरा दिया। अब उधर का उसका पायलट जो है वो पाकिस्तानी तरफ जाकर गिरा है, पैराशूट से उसने इजेक्ट किया और चला गया, और उनका जो एयरक्राफ्ट है वो भी वहाँ जाकर गिरा है। लेकिन हमने उनको बता दिया कि देखिए हमारी तरफ आँख उठा के देखने की हिम्मत मत कीजिएगा, हिमाकत मत कीजिएगा। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात यह कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब देते हुए भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी विमान को मार गिराया। कल ही भारत ने जैश के आतंकी कैंप को ध्वस्त किया था लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आया। आज फिर उसने भारतीय वायु सीमा को लांघने की हिमाकत की जिसका भारतीय वायुसेना ने बहुत ही करारा जवाब दिया। बहुत बड़ी खबर कि भारत ने नौसेना में लाम वैली में घुसे पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। भारत में घुसपैठ की कोशिश करने वाले F-16 विमान को भारतीय गोलाबारी में मार गिराया गया। ये बहुत बड़ी खबर है, दोनों तरफ काफ़ी हवाई पेट्रोल चल रहे हैं। एक रेड करने की कोशिश की भारतीय वायु सीमा को लांघने की कोशिश की पाकिस्तानियों ने, उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर और जो LOC के इलाके से सटे हुए जितने भी एरियाज हैं वहां रात भर उन्होंने गोलाबारी करने की कोशिश की।
इस तरफ आवाम को बहुत सारी तकलीफ पहुंचाई, लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब वो जमीन पर हरकत कर रहे थे और फिर हवाई हरकत पर उतरे तो हमने वहां भी उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको खदेड़ दिया, इतना खदेड़ दिया कि वापस घुस में बिल में घुसकर अब छुपे बैठे हैं और वहां से आवाजें निकाल रहे हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान की तरफ, भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की वो हिम्मत नहीं करेंगे। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर आर्म फोर्सेस का ये कंबाइंड ऑपरेशन है, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, साथ ही वहां पर सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं, पैरा फोर्सेस हैं और जो पुलिस है, सब ने इस मिलकर एक बहुत ज्यादा जो पहर, जो पेट्रोल है उसको बढ़ा दिया है। सबसे ज़्यादा अब कड़ी निगरानी रखी जा रही है बॉर्डर इलाकों पर, एलओसी के साथ सटे हुए इलाकों पर, वहाँ पर जितने लोग हैं, आवाम हैं, उनको हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ ये अगर आप देखें कि उन्होंने हरकत की, कोशिश की कि वो इंडियन एयर स्पेस में आए, भारतीय वायुसीमा में आए, और हमने उन्हें वापस खदेड़ दिया, उन्हें वापस भेज दिया। अब उधर से पाकिस्तान बहुत सारी आवाज़ें निकाल रहा है, बहुत कुछ बयां कर रहा है, लेकिन हम वो सब नहीं दिखाएंगे। चलिए, हमारे साथ मेजर जनरल जीके बंसल हैं, साथ में गृह मंत्रालय से हमारे साथ रवि सिंह जुड़ रहे हैं, शेष नारायण सिंह जी हमारे साथ, मोहित भी हैं, मोहित मल्होत्रा माथोपुर, बॉर्डर पर हमारे सारे न्यूज 18 इंडिया के कई सारे जो पूरी टीम है कई सारे बॉर्डर इलाकों में मौजूद हैं, वहां पर जमीनी हालात, जमीनी रिपोर्ट बताने के लिए। घुसोगे तो मरोगे, ये मैसेज है एकदम साफ। और पवन शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, मेजर जनरल पवन शर्मा। मैं स्टूडियो में सबसे आपसे पहले जानना चाहूँगा मेजर जनरल साहब कि जो इंडिया का रिस्पांस है, कहीं हमें, हमारी ये तैयारी थी कि देखिए पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, कुछ ना कुछ एडवेंचरिज्म करेगा, एस्केलेशन की एक छोटी सी लेवल होगी जो बढ़ेगी और हमें तैयार रहना है, वो तैयारी आपको दिख रही है? बिल्कुल, ये तैयारी पहले से की गई थी और ये तैयारी दिख भी रही है। ये तैयारी इससे ही विदित हो जाती है कि जैसे ही पाकिस्तान ने हिमाकत की कि हमारे एरिया में आए तो उनको मार के गिरा दिया गया है। अब पाकिस्तान को ये बात पहले भी कहता रहा है कि भाई हमारा पास में कोई टेररिस्ट नहीं है और उनके ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं, जैसे मोहम्मद वहाँ पर है उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो लोग। अगर उनको ऐसा है कि वहाँ पर कोई टेररिस्ट है ही नहीं और वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा एक्शन हुआ नहीं है तो वो क्यों रिटेलिएट कर रहे हैं? तो ये सारा उनका झूठ है, फरेब है, और ये कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे कि टेररिस्ट का कोई देश होता है। टेररिस्ट का देश है और इस देश की मैं वहाँ पर जो है उसको पनाह दे रहे हैं। ये बात बार बार कही जाती है कि हमको इंडियन, हमको पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है, क्योंकि टेररिस्ट को ही सपोर्ट पाकिस्तान दे रहा है। अगर पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट ना दे, उनकी आर्मी, उनकी आईएसआई, तो उनको ख़त्म करने में कोई भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और क्योंकि टेररिस्ट जो हैं वो उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसी वजह से ये सब उनका नुकसान हो रहा है। ये उस समय उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उन जितने भी वहाँ के टेररिस्ट हैं, जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, सबको पकड़ के हिंदुस्तान को दे दें और वहाँ पर जो है अपनी एक सिविलियन अथॉरिटी को कायम करें, फौज को बताएं कि अपनी ड्यूटी करो, किसी चीज़ में इंटरफेयर मत करो, या आईएसआई का जो टेररिस्ट का और आर्मी का नेक्सस है ये खत्म होना चाहिए और एक सिविलियन गवर्नमेंट वहां आए जिससे कि उनको, देखिए सिविलियन गवर्नमेंट तो वहां है लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट एक पपेट गवर्नमेंट है, आपको पता है कि कंट्रोल किसी और के साथ है। अगर आप देखें कि जो भी दुनिया से कोई भी वहां पर पाकिस्तान विजिट करने आता है तो वो जनरल बाजवा के साथ चल रहा होता है और ये तो स्टेपनी की तरह साइड में चल रहे होते हैं इमरान खान। आज भी अगर देखें तो इमरान खान लाइव एड्रेस नहीं करते, करते हैं एड्रेस, उसके बाद उसको एडिट किया जाता है, कट किया जाता है, उसके बाद बात होती है। मेजर जनरल जेके बंसल साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ रुख करूं, मैं जरा नौशेरा जाना चाहता हूं पवन शर्मा की ओर। पवन, क्या अपडेट है ग्राउंड पर? काफी हरकत हो रही है जहां पे आप हैं, क्या आपको हवाई पेट्रोल्स अभी भी दिख रहे हैं? क्या सोनिक बूम की आवाजें कंटिन्यूसली चल रही हैं? पहली टीम है टेलीविज़न की जो उस इलाके में पहुंची है जिस इलाके में एयर स्पेस वायलेशन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने किया था और हमारे एयरफोर्स के जवानों ने उनका एक F-16 जो है वो इसी वैली में गिराया है। मेरे पीछे मैं कैमरामैन से कहूंगा, वो दिखाएगा पूरा इलाका जिस तरह का है, जिस ये पूरी लाम वैली है नौशेरा सेक्टर की, यहाँ पर एयर स्पेस वायलेशन की थी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने और जब वापस जाने की कोशिश में थे तो यहाँ पर एक F-16 उनका गिराया गया। बिल्कुल LOC का जो इलाका है लाम वैली का, वहाँ पर जाकर वो क्रैश हुआ है और उनका जो पायलट था उसने पैराशूट से जंप किया और यहाँ स्थानीय लोगों ने भी देखा कि पैराशूट को भी
आग लग चुकी थी और जहाज पूरा आग लगा हुआ बिल्कुल एलओसी के उस पार जाकर गिरा है। अभी पूरा सर्च उस इलाके में चल रहा है कि आखिर किस इलाके में वो गिरा है, कि पायलट इस तरफ है कि पायलट उस तरफ चला गया है, लेकिन ये वो इलाका है जहां पर सुबह हुआ था। पूरे निशारा की अगर हम बात करें, एलओसी पुंछ की बात करें, रजौरी की बात करें आनंद, तो यहां पर सेना सतर्क है, एयरफोर्स पूरी तरह से सतर्क है, पूरे एरिया में कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। लगातार सीज फायर का वायलेशन इस इलाके में हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से उनको भी करारा जवाब दिया गया है। और अब अगर हम बात करें तो फिलहाल यहां पर फायरिंग तो बंद है, लेकिन एयर स्पेस वायलेशन होने के बाद यहां पर लोगों के अंदर भी दहशत का माहौल बना हुआ है कि कहीं पाकिस्तान और बड़ी कार्रवाई ना करे। यही वजह है कि इस पूरे इलाके में एलओसी के स्कूल जो हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं और जो लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया कि अपने घरों के भीतर ही रहें, बाहर ना निकलें। कल रात भर यहीं पे पवन इसी सेक्टर में काफी सारे फॉरवर्ड पोस्ट थे जहां से पाकिस्तानी तोपें चल रही थी, उनके गन्स फायर हो रहे थे और हमने भी जवाबी जवाब दिया, एकदम करारा जवाब दिया। अब आपको क्या लग रहा है, आपने कहा कि अब सीज फायर वायलेशन जो है वो बंद हो गई है, अब वहां पर गोलाबारी कम हो गई है, लेकिन क्या हवाई पेट्रोल अब भी चल रहे हैं? क्या आपको अब भी भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट वहां पेट्रोलिंग करते दिख रहे हैं? देखिए, जो एलओसी के पास का इलाका है यहाँ पर आपको कोई भी हवाई पेट्रोलिंग नहीं दिखेगी, लेकिन जो पीछे का इलाका अगर हम बात करें तो एलओसी से लगभग 10-15 किलोमीटर पीछे पे अभी भी वायुसेना के जो विमान हैं वो लगातार पूरे एरिए में कश्मीर से लेकर जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर तक अभी भी पूरी रैकी पर हैं, पेट्रोलिंग पर हैं, उनकी आवाज़ें यहाँ पर अभी भी सुनाई जा देती है। पूरे इलाके में सुरक्षा वो है वो कड़ी है। जिस तरह से सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान ने कल किया था, यहाँ पर रात को हैवी शेलिंग और हैवी मशीन गन फायर किया था, उसका भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया और पाकिस्तान को फिर बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। कल केरी जो इलाका खनूर एलओसी का है वहां पर उनकी 5 पोस्टों को तबाह किया गया, कई सैनिक उनके मारे गए और कई सैनिक उनके घायल भी हुए। जी पवन, आपके अपडेट के लिए धन्यवाद। मैं जरा मोहित से भी जानना चाहूंगा कि वो माधोपुर में है, पंजाब में भी हाई अलर्ट का माहौल है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज उनका वो जो है पूरा दौरा करना था, जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं वहाँ जाके वो खुद ही अपडेट लेने वाले थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि स्टेट जो है सेंटर के साथ एकदम मिलकर काम करेगा क्योंकि ये भारत का मसला है और ये पाकिस्तान से लड़ने वाला मसला है। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब की काफ़ी बड़ी सीमा है जो कि पाकिस्तान के साथ है। एक अच्छी बात यह है कि अब तक पाकिस्तान की तरफ से जो पंजाब का बॉर्डर है वहाँ पर किसी भी तरह की कोई फायरिंग, किसी तरह की घुसपैठ की कोई खबर नहीं है और ना ही कोई एयर स्पेस वायलेशन यहाँ पर सामने आया है, लेकिन एहतियात बरता जा रहा है। पूरे पंजाब में हाई अलर्ट रखा गया है। पंजाब का फिरोजपुर जो हुसैनी वाला बॉर्डर के पास जो इलाका है वहाँ पर तो सरहद से जो सटे गाँव हैं पाक की सीमा से उनको खाली करवा लिया गया है एहतियातन। हालाँकि गुरदासपुर में और जो अमृतसर अटारी के आसपास का इलाका है वहाँ पर अभी गाँवों को खाली नहीं करवाया गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं इस वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मौजूद हूँ। ये हाईवे पेट्रोल सेंटर है माधोपुर पंजाब का ये आखिरी पेट्रोलिंग सेंटर है और इससे आगे जम्मू कश्मीर की सीमा शुरू हो जाती है। आमतौर पर यहाँ पर जो जवान दिखाई देते हैं वो पंजाब पुलिस के जवान दिखाई देते हैं, लेकिन आज की हम बात करें तो जो तनाव चल रहा है पाकिस्तान के साथ उसको देखते हुए भारतीय सेना ने ये जो पेट्रोलिंग सेंटर है इसको ओवरटेक कर लिया है और यहाँ पर अब पंजाब पुलिस के जवानों को हटा दिया गया है और भारतीय सेना के जवानों ने अपना मोर्चा संभाल लिया है और अपने बंकर यहाँ पर बना लिए हैं। यानी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पंजाब भी पूरी तरह से तैयार है। पंजाब सरकार का एक टेरर अलर्ट भी है कि कहीं आतंकी मौके का फायदा उठाकर पंजाब के किसी इलाके में कोई आतंकी हमला ना कर दें, कोई आतंकी वारदात ना कर दें, इसलिए इंटरनल जो सिक्योरिटी है पंजाब पुलिस की उसको भी काफ़ी टाइटन किया गया है और उनको कहा गया है कि वो हाई अलर्ट पर रहें। जी, जो प्रॉक्सी हरकत है वो शायद बॉर्डर के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे रीजन्स है वहाँ हो सकते हैं, लेकिन जो टैक्टिकल हरकत है वो एलओसी पे वहां पर हम देख सकते हैं। इस पर 3 मेजर जनरल हमारे साथ बैठे, तीनों से हम जरा बात करेंगे, लेकिन मैं एक अपडेट देना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को, ये कि एनएसए अजीत डोवाल और प्रधानमंत्री और बड़े बड़े जो अफसर हैं इनकी मीटिंग पिछले 20 मिनट से एक अहम बैठक चल रही है। अब ये काउंटर स्ट्रैटेजी हो सकता है, भारत का हर लेवल पे क्या रिस्पॉन्स होगा, यानी टैक्टिकल लेवल पे, जमीनी लेवल पे जो पाकिस्तानी एडवेंचरिज्म है उसका जवाब कैसे दिया जाए, और साथ ही कि हिंदुस्तान और भारत को एकदम सपोर्ट सिक्योर रखने के लिए क्या क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे, और दूसरी बात डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की, दुनिया को क्या स्टोरी, क्या बात दुनिया को
भारत कहेगा पाकिस्तान को किस तरह से एक्सपोज करेगा। बहुत बड़ी खबर है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने वाली अपनी सभी उड़ानों पर भी रोक लगा दी है। पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने वाली हवाई रूट पर भारतीय विमानों की आवाजाही रोक दी गई है। दिल्ली से दुबई जेट एयरवेज का जो विमान है उसको भी वापस बुला लिया गया है। सभी भारतीय उड़ानें अब वापस लौट रही हैं, तो शायद चाहे वो एयर इंडिया हो, जेट एयरवेज हो, या जो भी डोमेस्टिक जो एयरलाइन है, इंडियन एयरलाइन है, जो पाकिस्तानी एयर स्पेस के ऊपर से उड़ता था, चाहे जो भी डेस्टिनेशन हो, वो सब अब वापस बुला लिए गए हैं। ये दूसरा रूट इख्तियार करेंगे या फिर वो फ्लाइट्स कैंसिल होंगे, इस पर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं ज़रा रवि सिंह से भी जुड़ना चाहूँगा, गृह मंत्रालय से, वो हमारे साथ हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पर भी एक हाई लेवल मीटिंग थी, होम मिनिस्टर ने भी डिटेल्ड ब्रीफिंग ली है, सारे आला कमांड, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और इंटरनल सिक्योरिटी का पूरी तरह से मुआयना किया गया। रवि, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए आनंद, करीब दो घंटे की बैठक चली और जैसा कि आपने पहले भी बताया कि अभी एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के साथ में उनकी बैठक चल रही है और ब्रीफिंग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अजीत डोभाल यहां पर पहुंचे थे, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ में उनकी भी बैठक थी। उनके एनएसए के अलावा राजनाथ सिंह के साथ में बैठक में आईबी चीफ, रॉ चीफ समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद थे, गृह सचिव भी मौजूद थे, लेकिन एक एक करके जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी हैं, प्रमुख हैं, वो भी यहां पर मौजूद थे। चाहे वो बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, सभी के जो डीजी हैं वो मौजूद थे, क्योंकि बीएसएफ इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद है और उनको भी तैनात रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने ब्रीफ किया है कि क्या सिचुएशन है अभी इंटरनेशनल बॉर्डर पर। और दूसरी बात यह, सीआरपीएफ क्योंकि कश्मीर में उसकी तैनाती है और काफी महत्वपूर्ण और अहम रोल निभा रही है इस पूरे मामले पर सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ के डीजी ने भी उनको ब्रीफ किया है राजनाथ सिंह को। और इसके बाद ये तमाम जो ब्रीफिंग के बाद राजनाथ सिंह यहां से निकले हैं, करीब दो घंटे की बैठक चली है और अब से थोड़ी देर पहले ही जब एनएसए यहां से निकले और सीधे प्रधानमंत्री के पास में उनसे मिलने के लिए पहुंचे और उनके साथ में आला अधिकारी भी ब्रीफ कर रहे हैं और पूरे सिचुएशन की जानकारी प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। रवि, धन्यवाद अपडेट के लिए। मैं जरा कमांडर रंजीत राय से भी एक बात जानना चाहूंगा। एक देखिए, एक हमारी थल सेना है, एक वायुसेना है और एक जल सेना है। इनमें से जल सेना का जो रोल है, इंडियन नेवी का रोल है, ज़्यादा हम कहते नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इंडिया को गार्ड करना है तो हमारी टेरिटोरी को वाटर से थ्रेट है और पाकिस्तान की हरकत वहाँ पर हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। जब मुंबई 26/11 के वक्त भी वहाँ समुद्री तटीय इलाकों से ही उन्होंने एंटर किया था, समुद्र से एंटर किया था। इस हालत में जब एक्टिविटी वहाँ LOC पे है, नेवी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल। अब देखिए, ये जो स्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच में, कहते हैं एस्केलेशन लैडर जी, अब दो दर्जे पे हम पहुंच गए। आज सवेरे सुनिए कितनी शेलिंग हुई है बॉर्डर पे, एक F-16 गिराया है, उससे एक रिपोर्ट आई थी कुछ, हमारे भी एक बिग बड़गाम में कुछ हुआ, तो अब ये स्थिति हो गई है, एयरपोर्ट्स बंद हो गए हैं। तो देखिए, नेवी का भी रोल है पोर्ट्स, क्योंकि जो पानी में है, सी पे है, आपको पता है लास्ट वर्ल्ड वॉर पर्ल हार्बर से शुरू हुआ, ये पोरबंदर, रिलायंस रिफाइनरी वगैरह बॉर्डर पे है, तो अब नेवी बिल्कुल पेट्रोल कर रही होगी। 26/11 के बाद हमारी कोस्टल सिक्योरिटी नेटवर्क और हमारा जो गुड़गांव में है, पिक्चर आता है पूरा इंडियन ओशन का, तो है कि नेवी एस्केलेशन लैडर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेवी का कुछ हो गया तो देखिए, 26/11 में तो हम तैयार थे, ये जो ऑप्शन एयरफोर्स ने किया है वो 26/11 के 12 दिया गया था, लेकिन हमने थोड़ा लेट किया, लेकिन अब देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिजॉल्व लिया है। अब हम देखेंगे एस्केलेशन लैडर में कितना टेंशन होता है जी, और नेवी का जो है वो लास्ट रिजॉर्ट जी, लास्ट रिजॉर्ट तो है। और एक और बात है कि नेवी एक जगह है, जलसेना एक जगह है, जहां पर जो भारत वर्सेस पाकिस्तान अगर इक्वेशन देखा जाए तो एक 60-40 की सुपीरियरिटी है इंडियन नेवी की कंपेयर टू द पाकिस्तानी नेवी, क्योंकि वो ज्यादातर डिफेंसिव रहते हैं, तो उनका जो है फोकस सबमरीन्स और डिफेंसिव टैक्टिक्स पे है, लेकिन हमारे पास क्योंकि इतना बड़ा एरिया है गार्ड करने के लिए, तो हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज ज़्यादा है और परहैप्स डिफेंसिव कैपेबिलिटीज भी बेहतर हैं। 60-40 का इक्वेशन बताते हैं, एक्सपर्ट्स ने ही मुझे ये जानकारी दी है, तो मैं आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैं जरूर बोलूंगा आप जी, 60-40 उससे भी ज़्यादा है जी, 70-30। लेकिन जो छोटा देश होता है, जैसे छोटा लड़का या मस्किटो बाइट करता है, तो उनका बेस्टियन स्ट्रेटजी है जी, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए आपको टेररिज्म में कितना तंग, प्रॉक्सी वॉर के साथ तंग कर रखा है, जब हमने निश्चित किया कि हमने अब अटैक करेंगे उनको, नेवी का जो है वो बेस्टियन स्ट्रेटजी जी, उनके पास सबरीन है, वो एयरफोर्स के प्लेन्स उनके साथ हैं,
एविएशन है, वो 200-250 किलोमीटर से ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे, बोलेंगे आइए मेरी रिंग में। तो ये बेस्टियन स्ट्रेटजी होती है, कई छोटे देशों की, इजराइल वगैरह की बेस्टियन स्ट्रेटजी। पर हमारा ऐसा है कि हम जहां हैं वहां बैठ के भी हम अटैक कर सकते हैं, इतना हमारी इन टर्म्स ऑफ यू नो लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी है, ट्रायड कैपेबिलिटी है, तो जो हमने कंप्लीट किया है अभी रिसेंटली, तो ये सारी एबिलिटीज हैं जिसको कि हम यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सुपीरियरिटी। पर हम उस लेवल ऑफ एस्केलेशन तक जाना नहीं चाहते, भारत नहीं चाहता कि वहां तक जाए, लेकिन हाँ अगर हमारी आन बान शान पर बात की बात आती है तो हम कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेजर जनरल जैनी जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं जी। अभी ये जो आप देख रहे हैं एडवेंचरिज्म पाकिस्तान की ओर से, और जो हमने उनका F-16 मार गिराया है, फिर पाकिस्तान ने कहा देखिए हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम तो बस ये बताना चाहते थे कि अगर आप घुसपैठ कर सकते हैं तो हम भी घुसपैठ कर सकते हैं, तो क्या भारत को अब क्या कहना चाहिए? क्योंकि देखिए एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, NSA बैठे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हैं, आला ऑफिशियल्स बैठे हैं, एक टैक्टिकल स्ट्रेटजी, साथ ही डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की भी बात होगी। आपको क्या लगता है हिंदू भारत को क्या करना चाहिए? आनंद देखिए, पल पल बढ़ता जा रहा है घटनाक्रम का दौर। कल रात कुछ था, परसों कुछ था, आज सुबह से कुछ और है। और जैसा कमोडोर राय ने बहुत सही कहा कि इसमें नेवी का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे कितने स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। पाकिस्तान इज ए रोग स्टेट, वो कभी भी हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को बाय कवर्ट मींस अटैक कर सकता है। तो इसलिए नेवी का भी बहुत बड़ा रोल है। ये ना समझा जाए कि नेवी तो पानी है और पानी में अब समुद्र में तैरते हैं ये, और ये तो पहाड़ों की लड़ाई, ऐसा नहीं है। ये एक साइनर्जाइज्ड अप्रोच है डिफेंस सर्विसेज की, ऑल थ्री का। अब पाकिस्तान की बात पे जो आपने सवाल पूछा, देखिए पाकिस्तान हैज ऑलवेज रिमेंड इन अ डिनायल मोड। उन्होंने उरी के अटैक को बोला हुआ ही नहीं। कल भी जब हमला हुआ उनके बालाकोट पे, वो बोले जी हवाई जहाज आए थे, हमने उनको खदेड़ भगाया। आज भी कुछ ना कुछ वो झूठ किस्म का। अब जो हमारा मिग गिरा है, आपको आश्चर्य नहीं होगा अगली रिपोर्ट पाकिस्तान से निकलेगी कि हमने उसको शूट डाउन कर दिया। नहीं, आप तो कह रहे हैं वो MI-17 चॉपर है, जी, जी, तो वो कुछ भी कहें, पर हम तो अभी तो सवाल ये है, फैक्ट ये है, पाकिस्तान एकदम भोकलाया हुआ है। पाकिस्तान इज डाउन नॉट येट आउट, उसको आउट करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान को दो चीजें हम हमेशा सारे डिफेंस एक्सपर्ट बिलीव करते थे, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, उसको उसकी कीमत का एहसास दिलाओ और उसके नतीजों का। नतीजे तो वो देख ही रहा है, क्या नतीजा हो रहा है उसके आतंकवाद और ये पुलवामा वगैरह के बाद में क्या नतीजा है। अब रही बात कॉस्ट की, कि क्या पाकिस्तान इसको अफोर्ड कर पाएगा, एस्केलेटरी लैडर को क्या अफोर्ड कर पाएगा? मेरे ख्याल में वो नहीं कर पाएगा, क्यों? पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, मिलिट्री स्थिति, पॉलिटिकल स्थिति, सोशल स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति इतनी गई गुजरी है। एक मिनट, 10 सेकंड दीजिए, कि वो शायद एस्केलेट ना कर पाए, लेकिन उसके पास बहुत से वो है, सॉफ्ट टारगेट्स को मारेगा जी। आप देखिए विंटर खत्म हो गया है, अभी भी उसके 250-300 मिलिटेंट्स घूम रहे हैं वैली में, एक टेक्स्ट के ऊपर में, एक व्हाट्सएप के ऊपर में, 350 बॉर्डर के ऊपर में विलेजेस हैं, वो विलेजेस में सिविलियंस रह रहे हैं, वहां कैजुअलिटीज कर सकते हैं। देखिए कल सुबह कोई विश्वास नहीं, कल तड़के सवेरे हमने आंगन में सफाई की, आज सुबह से हम घर के अंदर सफाई कर रहे हैं, तो वो भी चल रहा है, जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जैश के सारे आतंकियों को मार दिया गया है, इनकम टैक्स रेट पड़ी है कुछ लोगों को, समर्थकों के लिए। मैं बस शेष नारायण सिंह जी को भी मैं जरा एक सवाल पूछूंगा जी। पाकिस्तान इज अ वेरी इरेशनल एनिमी जी, इरेशनल एनिमी, तो वो क्या इरेशनलिटी में करेगा? यही तो मीटिंग्स हो रही है, यही तो सोच विचार हो रहा है, यही तो हमारे एक लेवल पर चाहे इस उम्मीद से कि जो वो इरेशनल जो भी कदम उठाएगा उसका हमें ज्यादा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, लेकिन अगर वो इरेशनल कदम उठाता है तो भारत को चाहिए कि वो दुनिया को दिखाए कि ये पगलाया हुआ देश है, कंगालिया तो है ही, पगलाया हुआ देश है। और दूसरी बात यह कि अगर हमने तो दहशतगर्दी के खिलाफ स्ट्राइक किया, पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तानी आवाम के खिलाफ कोई स्ट्राइक नहीं किया, हम पाकिस्तानी मिलिट्री से भी नहीं लड़ना चाहते, हमको तो नहीं चाहिए, हमको तो दहशतगर्दी से लड़ाई है, और उस पर अगर पाकिस्तानी स्टेट पाकिस्तानी मिलिट्री जवाब दे रही है तो ये सीधा लिंक है कि भाई आपका तो चोली दामन का साथ लगता है, क्योंकि चोट हमने दहशतगर्दों पर की, दर्द आपको हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? पर शेष नारायण सिंह एक बात बताइए, पाकिस्तान का फंस गया है एक 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 ऐसी जगह फंस गया है जहां ना वो कंफर्म कर सकता है ना डिनाई कर सकता है, ये ना उगले बनता है ना निगले बनता है, इसीलिए उनको ये रिस्पांस करना पड़ा है, क्योंकि इंटरनली उनको ये दिखाना पड़ेगा कि हम में भी दमखम है। पर क्यों दिखाना पड़ेगा कि दमखम है? अगर दमखम है तो दहशतगर्दी से लड़िए, साथ में लड़िए,
एक्चुअली पाकिस्तान बाय दिस एक्ट ऑफ फायरिंग एंड बॉर्डर और ये जहाज यहाँ भेज के हमारे एयर स्पेस में, वो कोशिश कर रहे थे कि वो देर प्लेइंग टू द गैलरी, वो फिदाइन को बताने वाले थे कि भैया देखो हमने तुम्हारे लिए इतना लफड़ा लिया है, लेकिन मुसीबत ये है कि उनके जहाज को मार गिराया गया। F-16 1998 में जब इनको इन्होंने श्रीमान जी ने खरीदा था तो उसकी कीमत थी $19.8 million एक की, हो गया अभी। ऐसे ही 10-5 अगर वो गिरा दिए गए तो पाकिस्तान, अच्छा दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान को, मेरा ख्याल भारत को ये चाहिए कि जहां से इनको पैसा मिलता है, अमेरिका ने तो मना कर दिया, इनको चीन से, रूस से, सऊदी अरब से और मिडिल ईस्ट से पैसा मिलता है, उन लोगों को सीधा सीधा कह दें कि भैया तुम्हारे यहाँ से पैसा ले जाते हैं, खाने पीने की हमारे यहाँ दिक्कत है, मेडिकल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और इसके लिए ये 200-200 करोड़ के जहाज शौक में तोड़वा रहे हैं अपने, तो उनको उन उधर से भी अब काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में फिदाइन पलते हैं, लेकिन मेरा असेसमेंट यह है कि पाकिस्तान अपने आप में एक फिदाइन राज है जी, कि फौज जो है वहां कुछ भी तबाह कर देगी, लेकिन वो शेखी अपनी बनाए रखने के चक्कर में रहेगी। आप जरा पाकिस्तानी मीडिया सोर्सेज देखिए, टेलीविजन देखिए, लगता है कि जैसे हिंदुस्तान के 2 जहाज हमने मार दिए, 5 मार दिए, उनको घेर लिया, इस तरह का वहां पे माहौल बना रहे हैं, तो पाकिस्तानी जनता को बेवकूफ बनाएंगे। इसलिए अब जरूरी ये है कि इसके साथ साथ जो मीटिंग चल रही है साउथ ब्लॉक में, वो फौरन अपने फ्रेंड्स को, अमेरिका को, रूस को, फ्रांस को, जर्मनी को, सबको बताऊं कि इनको, या मिडिल ईस्ट में बहुत सारे फ्रेंड्स ऑफ इंडिया हैं, सलमान साहब आए थे सऊदी अरब के, वो हमारे दोस्त हैं, तो उनको बताया जाए कि भैया इनको समझाओ तुम कि अब इसके बाद भूखों मरोगे तो हमको देंगे वेंगे नहीं। और अरुण जेटली कुछ बोल रहे हैं, हो रही है तो मैं देख सकता हूं कि जो इन्होंने 13 महीने का समय दिया है इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, वो शायद 12 में ही कर डाले, 14 वो जो मौजूदा परिस्थिति है पाकिस्तान के साथ उस पर कुछ कह रहे थे, टिप्पणी दे रहे थे। जब वो जैसे ही वो साउंड बाइट आएगा हम फिर से उसको चलाएंगे, पर उसके साथ साथ कई सारे मुद्दों पर भी बात हो रही थी। पीयूष गोयल बैठे थे वहाँ, धर्मेंद्र प्रधान बैठे थे। भारत ये कह रहा है कि देखिए जो कार्रवाई वहाँ हो रही है वो कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके साथ भारत भी आगे बढ़ रहा है, काम नहीं रुक रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा काम था पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल हो गया, चलिए आगे चलते हैं और ये पेस्ट कंट्रोल का सिलसिला चलता रहेगा। मैं जरा वापस पवन शर्मा की ओर जाना चाहूंगा। पवन, आपके पास कोई अपडेट है, अब वहां पर क्या हरकत है और लोकल से आपने क्या बात की, क्योंकि आप ऐसे इलाके पहुंचे हैं जहां पर सारी रात लोकल्स ने बंदूकों की गोलों की आवाज सुनी है, उनको देखे हैं बरसते, और फिर साथ में हवाई जहाज और जो डॉग फाइट्स हैं उसको भी देखे हैं कि कैसे हमारी वायुसेना ने पाकिस्तानियों को नहीं खदेड़ा पर उनका एक F-16 भी मार गिराया। हाँ बिल्कुल आनंद, जो लोकल्स हैं इस इलाके के, लाम जो पूरा LOC का इलाका है नौशहरा सेक्टर में, यहाँ पर लोकल्स का यही कहना है कि जैसे ही इंडिया ने एयर स्ट्राइक की थी POK और बालाकोट में, उसके बाद कल शाम से ही नौशहरा सेक्टर के अलग अलग इलाकों में सीज फायर का वायलेशन शुरू हुआ, मोटार शेलिंग दागी गई और हैवी मशीन गन फायर किए गए, लोग घरों के अंदर कैद रहे, काफ़ी लोग परेशानी में थे। इस पूरे इलाके में अक्सर जब सीज फायर होता है तो सिविलियन को निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया जाता है और बीती रात भी ऐसा ही हुआ, लेकिन आज सुबह जब एयर वायलेशन पाकिस्तान ने किया है तो यहां पर लोगों ने खुद देखा है कि पाकिस्तान के जेट आते हैं और हमारे जेट उनका पीछा करते हुए उनको मार गिराता है एक को, और वो वहां पर जाके गिरता है जो लाम वैली बिल्कुल पीछे, जो मैंने पहले बताया था ये वो पूरा इलाका था नौशहरा का, यहां पर आके एक जेट को हिट किया गया बिल्कुल जो इन पेड़ों के बीच से आपको इलाका दिख रहा है, LOC का, लाम वैली का, नौशहरा का इलाका है, यहां पर एक जेट को गिराया गया और उनके पायलट ने पैराशूट से किया, वो भी लोगों ने देखा क्योंकि आसपास बहुत ज्यादा नजदीक जो LOC के पास हमारे घर भी हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान की पहाड़ियों से सटे हुए दिखते हैं, इस पूरे इलाके में लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान अक्सर सिविलियन इलाकों को टारगेट करता है, जब भी कभी कोई ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होती है, वो चाहे उड़ी में जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसके बाद भी इसी इलाके को टारगेट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, सिविलियंस को ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो यहां पर जमीनी और आसमानी सुरक्षा कड़ी है। कई बार जहां से जेट की अभी भी आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं जो पूरी तरह से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और जमीनी स्तर पर यहां पर BSF, सेना और लोकल पुलिस भी जो है इंटरलैंड को देख रही है और सेना LOC के ऊपर तैनात है, सुरक्षा यहां पर कड़ी की गई है। लोगों को यही कहा गया है कि वो अगर फायरिंग शुरू होती है तो वो घरों के भीतर रहें, बाहर ना निकलें।
जी पवन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अगर वहां कुछ लोकल्स हैं जिन्होंने जो देखा है सूरत हाल और फिर रात भर जो जगे हुए थे और जिन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, अगर आप उनसे बात कर सकें और हमारे दर्शकों को भी दिखा सकें, उनको उनसे मिला सकें तो बढ़िया होगा, बेहतर होगा। मैं वापस आपकी ओर रुख करूंगा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, वी आर गोइंग नॉन स्टॉप टिल अबाउट 3 PM, 3 बजे तक ये ब्रॉडकास्ट जो है स्पेशल ब्रॉडकास्ट जारी रहेगा। मैं हमारे सारे गेस्ट से गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ ही बने रहे, यहीं बने रहे न्यूज़ 18 इंडिया पर, जैसे हमारे दर्शक अभी बने हुए हैं। मेजर जनरल बंसल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए अभी एक मीटिंग जो चल रही है जहां NSA अजीत डोवल प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि जिस रात एयर स्ट्राइक्स हुए थे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो न्यूज़ 18 के राइजिंग इंडिया समिट में आए थे, शेष नारायण जी और मैं हम लोग साथ में ही बैठे थे। शेष नारायण जी, आपको भी याद होगा, ज्ञात होगा, जब हमने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने देश की बात की, देश हित की बात की, देश की पॉलिसीज और आगे बढ़ने की बात की, पर उस वक्त ना टेररिज्म, टेरर स्ट्राइक, पाकिस्तान की उस वक्त कोई बात नहीं की थी। लेकिन सच्चाई यह है कि हमसे बात करने के बाद, हमसे जुड़ने के बाद वो फिर सीधा वॉर रूम गए। वॉर रूम में बैठकर रात भर वो वहीं पे थे और वो वहां पर थे कि ये देखना चाहते थे कि किस तरह से क्या स्ट्राइक्स हो रहे हैं। तो 3:30 बजे से लेकर जब 4 बजे के बीच में 21 मिनट में ये पूरा जो सिलसिला हुआ अटैक्स का, प्रधानमंत्री पूरी तरह वहां पर थे, मौजूद थे, वो मॉनिटर कर रहे थे सिचुएशन, अभी भी वो अपडेट ले रहे हैं। यहां पर जब हम एक कहते हैं ना, एक डिसाइसिव एक्शन जो हमने लिया, हमको एक तरह से एस्केलेशन के साथ साथ कोलेटरल डैमेज की भी एक प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। हमको पता है कि देखिए पाकिस्तान जो है LOC में हरकत करेगा जब टैक्टिकल हरकत करेगा, बॉर्डर पे आकर हरकत करने की हिमाकत नहीं करेगा, वहां प्रॉक्सीज को यूज करने की कोशिश करेगा, ये उसकी स्ट्रैटेजी है कि वहां पर वो अपने जो एक्टिवेट हैं, यहां पर जो प्रॉक्सीज जिन्होंने जिनको घुसाए हैं उनको कहेगा कि आप कुछ फिदायीन स्ट्राइक्स कीजिए, कुछ माहौल खराब कीजिए वहां पर। पर जो भी टारगेट होगा, हमारे पास जैश है, लश्कर ए तोयबा है, बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, बालाकोट, ऐसे स्ट्रांग लोकेशंस हैं जहां टेरर ट्रेनिंग कैंप्स हैं। पाकिस्तान के पास हमारी लॉजिस्टिकल सिविलियन पॉपुलेशन और जो लैंडमार्क्स हैं, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं है। तो जब पाकिस्तान जवाब देता है, यानी वो मिलिट्री हरकत करता है, हमने जो किया है वो नॉन मिलिट्री हरकत है, तो भारत इस इक्वेशन को कैसे संभाले? जो उनके वहां पर टेररिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर में, अभी भारत को ये पता था कि एक जगह वो हैं जो नॉन सिविल एरिया है। हाँ। और भारत कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई सिविलियन कैजुअल्टी हो जी, वो चाहता है कि सिर्फ मिलिट्री को भी कुछ नहीं करना चाहता था वहाँ की, पाकिस्तान की, तो उनको अभी नस्ते नामूद कर दिया। लेकिन इस समय स्थिति ये है कि इस चीज़ का पता नहीं कि वहाँ पर जो है टेररिस्ट पाकिस्तान में किस जगह हैं, वो हो सकता है सिविलियन पॉपुलेशन के अंदर में हो, तो इस समय उस तरह की कार्रवाई करना तो कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन जो पाकिस्तान का एक्शन जो लग रहा है, पाकिस्तान को चलाती है वहां की आर्मी और उनकी आर्मी की सोच है एक टेररिस्ट की, और टेररिस्ट की सोच है एक सुसाइड की। हाँ। कि हम मरेंगे। हाँ। और मारेंगे जी, और ये एक पागल हाथी की तरह से है कि गोली आती रहती है फिर भी बढ़ता रहता है। जो पाकिस्तान इस समय कर रहा है वो एक पागल की तरह से कर रहा है कि वो पटता जा रहा है, मरता जा रहा है, फिर भी अपने आप को कर रहा है। बंसल साहब, मैंने आपको कहा था, जैसे अरुण जेटली का जो बयान है, बहुत बड़ा बयान दिया है, जो हमारे पास आएगा हम इमीडिएटली उसको चलाएंगे। यही है, पाकिस्तान के आतंकियों पर भारत की बड़ी कार्रवाई के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बहुत बड़ा बयान दिया है। जेटली ने एक कार्यक्रम में कहा है कि अगर अमरीका लादेन को मार सकता है तो कुछ भी संभव है। आज के हालात में सब कुछ संभव है। अगर अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मार सकता है तो कुछ भी संभव है। मैं जरा चेक करूंगा, जैसे ही वो साउंड बाइट आती है वो साउंड बाइट को भी चलाएंगे, लेकिन उन्होंने यही कहा है। अब अगर हिंदुस्तान, भारत ये कह रहा है कि कुछ भी संभव है, तो ये एक बहुत डिसाइसिव चेंज है, एक न्यू नॉर्मल जिसे कहा जाता है, जिसको कि आज MOFA पाकिस्तान ने भी नोट किया है कि सब यही कह रहे हैं कि न्यू नॉर्मल है। हमने भाई लाइन खींची है, एक लाइन ये खींची है कि ऐसा नहीं है कि LOC सैक्रोसेंट है। अगर आप LOC की गरिमा नहीं रखेंगे तो हम भी घुसेंगे, हम भी उनको मारेंगे जो हमें परेशान कर रहे हैं। ये एटीट्यूड जो है, आपको लगता है सही है? क्योंकि इसके साथ हमको भी जानना जरूरी है, आपको भी समझना जरूरी है कि कहने के तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम ये कदम उठाते हैं, अब हमने इस तरफ, इस डायरेक्शन में कदम उठाया है, तो उसके जो रिपरकशंस हैं उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। जैनी जी, देखिए पहले तो मैं वो बात क्लियर कर दूं कि ये सिविलियन टारगेट और मिलिट्री टारगेट जी, देखिए देश की जो धरोहर होती है, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो सिविलियन हो, वो देश की धरोहर है।
ए टारगेट इज ए टारगेट, ए लॉस इज ए लॉस। तो चाहे वो सिविलियन फैसिलिटी को मारे, चाहे सिविलियंस को मारे, चाहे मिलिट्री के कैंप्स को मारे, मिलिट्री आदमियों को मारे, सीआरपी को मारे, नुकसान देश का है। तो इसलिए हमें कोई लाइन नहीं बनानी चाहिए। मैं वही कह रहा था, आप मेरी बात ही समझे, कि पाकिस्तान जब हमारे खिलाफ हरकत करता है तो वो मिलिट्री हरकत होती है, क्योंकि वो एक्ट अगेंस्ट द स्टेट है। हमने जो हरकत की थी वो पाकिस्तान स्टेट, पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान अवाम पर। बिल्कुल। रविशंकर प्रसाद कुछ कह रहे हैं, एक मिनट साहब। सर, आतंकवादी गतिविधियों और उनके केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई, धन्यवाद। फिर वही भारत का वही पोजीशन कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई है, दहशतगर्दी संगठनों के खिलाफ, आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई। मैं ये कह रहा था कि जब हम हरकत करते हैं, हमने जब की है तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ नहीं की, हमने एक दहशतगर्द, एक संगठन के खिलाफ की जिसने कहा कि हाँ पुलवामा हमने कराया, हाँ पार्लियामेंट हमने कराया। उन्होंने कहा है, ये तलहा सैफ का बयान है कि ये सब हमने कराया। जब आपने ये कहा है तो हमने आपका सफाया किया है। पाकिस्तान जब करता है तो पूरे इट्स एन एक्ट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, ये मैं कह रहा हूं। इसमें इतनी फाइन लाइन अगर हम पढ़ें तो शायद गलत होगा। आखिर ये आतंकवादी हैं कौन? ये आतंकवादी उनके आर्मी के ही फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता ये जैश ए मोहम्मद को, हिजबुल मुजाहिदीन को, लश्कर ए तैयबा को स्ट्रेटेजिक एसेट्स बोलते हैं। तो इतनी फाइन लाइन बनाना भी आवश्यक नहीं है। लेकिन बात में वहां आता हूं जहां आपने बोला कि अगर वो पीओके क्रॉस करेगा तो हमें क्या करना। देखिए, इसमें कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है कि पीओके कश्मीर का हिस्सा है जी। वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो भले ही आजाद कश्मीर उसको कहें भाई, 1947 से आज तक तो अपने उन्होंने वहां इलेक्शन ही नहीं कराया। 1947 से आज तक उन्होंने एक टट्टू किस्म का कमिश्नर वहां रखा हुआ है। तो आजाद कश्मीर या पीओके कश्मीर का हिस्सा है और कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। तो इसलिए हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान ने जरूरत की मैं इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात से, पर आप गौर कीजिए कि 1994 में हमने एक पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया कि गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर सब कुछ जो है वो अनफिनिश्ड एजेंडा है, इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, हम हमारी सॉवरिन राइट्स को कहते हैं। हमारे मैप में आज भी गिलगित बाल्टिस्तान को जब अलग दिखाया जाता है तो हम कहते हैं कि आपने जो किया गलत किया। लेकिन आज तक हमने वो लाइन पार नहीं की। आज तक हम कहते थे कि हम वहां जाएंगे नहीं, वो हमारी जगह है लेकिन हम वहां जाएंगे नहीं। अब हमने कहा है वो हमारी जगह है, अगर वहां बैठ के आप फसाद पैदा करोगे तो हम वहां भी जाएंगे, घुसेंगे और तुमको मारेंगे। ये पेस्ट कंट्रोल का काम शुरू हो गया है।